हेलो फैन, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में होंडा सिटी ड्रीम BS6 और बजाज प्लेटिना BS6 के बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि इन दोनों बाइक्स में आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्या प्राइस है और कितनी ये बाइक्स माइलेज दे देती हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों के कलर और डिजाइन से। होंडा सिटी ड्रीम में आपको काफी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको टोटल दो वेरिएंट मिल जाते हैं। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में चार कलर ऑप्शन, ब्लैक विद ब्लू, ब्लैक विद केबिन गोल्ड, ब्लैक विद रेड और ब्लैक विद ग्रे शामिल है। तो इसके डिलक्स वेरिएंट में भी आपको चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ब्लैक, एथलेटिक ब्लू मेटेलिक, जेनी ग्रे मेटेलिक और इंपीरियल रेड मेटेलिक मिल जाता है। यानी कि टोटल 8 कलर ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर आप प्लेटिना 100 की बात करें तो इसमें आपको केवल 2 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें रेड और ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पे बजाज प्लेटिना में कंपनी को और भी ज्यादा ऑप्शन कलर का देना चाहिए, जिससे कि लोग और भी अपने मनपसंद कलर के हिसाब से बाइक को खरीद सके। लेकिन यहाँ पे आपको केवल 2 ही कलर ऑप्शन प्लेटिना में देखने को मिल जाता है, ये थोड़ी सी कमी प्लेटिना में जरूर देखी गई है। तो ये बात कर लेते हैं इनके डिजाइनिंग की। तो दोनों ही बाइक डेली कम्यूटर है, यानी कि इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें आपको कुछ ऐसे डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले होंडा सिटी ड्रीम की डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो इसके डिजाइनिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा हेडलैम्प मिल जाता है जो कि बॉडी कलर की देखने को मिल जाती है। फ्रंट फेंडर भी बॉडी कलर दिया गया है। यहाँ पे जो एलॉय व्हील्स दिए गए हैं उसमें आपको सिल्वर कलर की एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाती है। साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे जो टैंक दिया गया है यहाँ पर आपको कोई भी 3D लोगो नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको होंडा के स्टिकर मिल जाती है। यहाँ पे ग्राफिक्स की गई है, साइड पैनल पे CD 110 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी ग्राफिक्स दी गई है। नीचे वाला पार्ट ब्लैक में देखने को मिल जाता है और पीछे हल्की सी ग्राफिक्स मिल जाती है। सीट आपको कंफर्टेबल मिल जाता है। पीछे काफी अच्छी कैरियर दी गई है जहाँ पे आप सामान को बांध सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के डिजाइन आपको सिटी ड्रीम में देखने को मिल जाती है। तो प्लेटिना की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प मिल जाता है और यहाँ पे LED DRLs ऊपर की साइड दिया गया है। यहाँ पे हल्की सी ग्राफिक्स की गई है। तो इसके फ्रंट फेंडर में बॉडी कलर मिल जाता है, सिल्वर कलर की अलावा इसमें भी दी गई है। इसके जो इंजन है वो सिल्वर कलर में दी गई है, लेकिन कुछ पार्ट यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। साइड से देखने पर इसके टैंक डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेटिना की गोल्डन कलर में 3D बेजिंग मिल जाती है और यहाँ पे भी हल्की सी ग्राफिक्स किए गए हैं। इसके ऊपर पार्ट में ही आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाला पार्ट ज्यादातर ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। सीट काफी फ्लैट मिल जाती है, काफी लंबी सीट दी गई है। पीछे से ब्लैक कलर की ग्रैब रेल दी गई है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें हैंडल गार्ड भी दिया गया है। इस सेगमेंट में किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके डिजाइन प्लेटिना में देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों में से जिसका डिजाइन आपको ज्यादा अच्छा लगे उसको आप ले सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के इंजन की। तो होंडा सिटी ड्रीम में 109.5 सीसी का 4 स्ट्रोक SI BS6 कंप्लायंट प्रो ग्राउंड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। लेकिन वही बजाज प्लेटिना में 102 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DTSI इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों के इंजन डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिटी ड्रीम 110 सीसी सेगमेंट में आती है तो ये प्लेटिना 100 सीसी सेगमेंट में आती है। तो वही एक चीज और देख सकते हैं, सिटी ड्रीम में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है, लेकिन वही प्लेटिना में इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है। तो वही सिटी ड्रीम का ये इंजन 7500 RPM पर 6.47 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 RPM पर 9.30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो वही प्लेटिना का ये इंजन 7500 RPM पर 5.8 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 RPM पर 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इन दोनों ही बाइक्स में आपको 4 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाएगा और कीक और सेल्फ स्टार्टर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी ज्यादा आपको पावरफुल सिटी ड्रीम मिल जाती है प्लेटिना के मुकाबले में, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का इंजन है तो ज्यादा पावर जनरेट ही करेगा। तो अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बाइक चाहिए तो ऐसे में आप सिटी ड्रीम को ले सकते हैं। हालांकि प्लेटिना में भी कोई कम पावर आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वही अगर आपका थोड़ा सा वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो ऐसे में आप सिटी ड्रीम को ले सकते हैं। तो ये आगे बात कर लेते हैं दोनों के सस्पेंशन की। तो होंडा सिटी ड्रीम के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। तो प्लेटिना के फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप और रियर में स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग विद नाइट्रोक्स गैस कनिस्टर सस्पेंशन दिया गया है। तो कंफर्टेबल के मामलों में दोनों ही बाइक अच्छी है, लेकिन अगर ज्यादा राइड कंफर्टेबल की बात करें तो प्लेटिना में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कंफर्टेबल मिल जाती है, क्योंकि इसमें कंफर्टेक का सीट भी दिया गया है। तो ये आगे बात करते हैं दोनों के टायर और ब्रेक्स की। तो सिटी ड्रीम के फ्रंट और रियर में 80x100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो ये बजाज प्लेटिना के फ्रंट और रियर में 17 इंच का ट्यूब टायर मिल जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिना में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं देखने को मिलता है, ये थोड़ी सी कमी यहाँ पे दी गई है, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा कम है जिसकी वजह से इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सिटी ड्रीम के फ्रंट और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो बजाज प्लेटिना के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में 110mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्लेटिना में डिस्क ब्रेक भी ऑप्शन मिल जाता है, तो सिटी ड्रीम में आपको डिस्क ब्रेक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सिटी ड्रीम में ये थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको डिस्क ब्रेक वेरिएंट वाला बाइक चाहिए तो ऐसे में आप प्लेटिना को ले सकते हैं।
तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स की, कि इन दोनों में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो होंडा सिटी ड्रीम में सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, तो वहीं बजाज प्लेटिना में एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोनों के नाम अलग अलग हैं, काम दोनों का सेम है। ब्रेक लगाने पे फ्रंट और रियर का जो ब्रेक है एक साथ लगता है, जिससे कि बाइक स्लिप होने का डर नहीं होता है। तो होंडा सिटी ड्रीम में एनालॉग मीटर मिल जाता है, जो कि दो राउंड शेप के देखने को मीटर मिल जाते हैं, जिसके पहले मीटर में स्पीड और ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है, तो इसके दूसरे मीटर में फ्यूल की जानकारी मिल जाती है, और यहीं पे कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं। तो बजाज प्लेटिना में आपको थोड़े से अलग स्टाइल का मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर ऑटोमीटर जानकारी मिल जाती है, इसके अलावा साइड में फ्यूल की जानकारी मिल जाती है, और यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं। होंडा सिटी ड्रीम के हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, तो वहीं बजाज प्लेटिना के हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स का इस्तेमाल किया गया है। होंडा सिटी ड्रीम में साइलेंट स्टार्ट विद एसीजी मोटर मिल जाता है, जिससे कि बाइक स्टार्ट होते ज्यादा आवाज नहीं करती है। ये फीचर आपको बजाज प्लेटिना में देखने को नहीं मिलती है। होंडा सिटी ड्रीम में इंटीग्रेटेड हेडलैम्प हाई बीम लो बीम स्विच और पासिंग स्विच एक ही मिल जाता है, लेकिन वही बजाज प्लेटिना में लेफ्ट टर्नर बार पर पासिंग स्विच, हेडलैम्प हाई बीम स्विच और टर्न इंडिकेटर स्विच, ये सारे आपको अलग अलग सेपरेट मिल जाती है। होंडा सिटी ड्रीम में लॉन्ग एंड कम्फर्टेबल सीट दी गई है, तो ये बजाज प्लेटिना में भी आपको लंबी और कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, लेकिन इसकी सीट सिटी ड्रीम से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। होंडा सिटी ड्रीम में आपको लेग गार्ड मिल जाता है, लेग गार्ड आपको प्लेटिना में भी देखने को मिल जाती है। बजाज प्लेटिना में मडगार्ड अंडर के साथ पीछे वाले टायर के आगे दिया गया है, लेकिन ऐसा मडगार्ड आपको सिटी ड्रीम में देखने को नहीं मिलती है। होंडा सिटी ड्रीम में कैरियर के साथ ग्रैब रेल दिया गया है, जो कि पीछे काफी मजबूत देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ सामान को बांध भी सकते हैं, लेकिन वही बजाज प्लेटिना में कैरियर नहीं दिया गया है, केवल ग्रैब रेल आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाता है। होंडा सिटी ड्रीम में बॉडी कलर का मिरर दिया गया है, लेकिन बजाज प्लेटिना में आपको ब्लैक कलर के रियर व्यू मिरर मिल जाता है। दोनों ही बाइक में आपको सिल्वर कलर की अलॉयज देखने को मिल जाती है। बजाज प्लेटिना में आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है, लेकिन होंडा सिटी ड्रीम के टैंक पैड आपको देखने को नहीं मिलता है। बजाज प्लेटिना में हैंडल गार्ड भी दिया गया है, लेकिन सिटी ड्रीम में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा होंडा सिटी ड्रीम में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच दिया गया है, लेकिन ये स्विच आपको बजाज प्लेटिना में देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इन दोनों के बाइक में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। कुछ फीचर्स आपको जो सिटी ड्रीम में मिलती है वो प्लेटिना में देखने को नहीं मिलती है, और जो चीज़ें प्लेटिना में दी गई वो सिटी ड्रीम में देखने को नहीं मिलती है। तो इन दोनों में से जिसका फीचर आपको अच्छा लगा उसको आप ले सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं इन दोनों के माइलेज टॉप स्पीड की, लेकिन माइलेज टॉप स्पीड बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो भी माइलेज टॉप स्पीड बताऊंगा वो फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा कम भी हो सकता है। तो होंडा सिटी ड्रीम में आपको 70 केएमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, लेकिन वही थोड़े से ट्रैफिक वाले एरिया में चलाते हैं तो वहाँ पे आपको 65 केएमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल सकती है। तो बजाज प्लेटिना आपको 75 केएमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज दे देती है, तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी ज्यादा आपको माइलेज प्लेटिना मिल जाती है। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहिए तो ऐसे में आप प्लेटिना को ले सकते हैं। तो टॉप स्पीड की बात करें तो सिटी ड्रीम की जो टॉप स्पीड है 95 केएमपीएस तक है, तो बजाज प्लेटिना की टॉप स्पीड 90 केएमपीएस तक है। आगे बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशंस की। होंडा सिटी ड्रीम का लेन 2044 mm, विड्थ 736 mm, हाइट 1076 mm, व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 162 mm, सीट हाइट 790 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.1 लीटर और इसका कर वेट 112 kg है। तो वहीं बजाज प्लेटिना का लेन 2006 mm, विड्थ 713 mm, हाइट 1100 mm, व्हील बेस 1255 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 mm, सीट हाइट 807 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर और इसका कर वेट 117.5 kg है इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट का। यहाँ पे इन दोनों के आप ग्राउंड क्लीयरेंस को देख सकते हैं, आपको काफी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस प्लेटिना में देखने को मिल जाती है। सीट हाइट थोड़ी सी कम आपको सिटी ड्रीम में मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्लेटिना में ज्यादा दिया गया है, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी हल्की आपको सिटी ड्रीम मिल जाती है। हालांकि देखने में आपको प्लेटिना लगेगा कि ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन इसका कर्व वेट आप देख सकते हैं, यानी कि इसका जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है वो आपको 117.5 kg की मिल जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस की। तो होंडा सिटी ड्रीम बेसिस का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का 64,508 रुपीज, यानी कि 64,508 रुपए तक है। तो इसके डिलक्स वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 65,508 रुपीज, यानी कि 65,508 रुपए तक है। अगर इस बाइक के ऑनरोड प्राइस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट 76,000 रुपीज, यानी कि 76,000 रुपए तक मिल सकती है। तो इसका डिलक्स वेरिएंट 77,000 रुपीज, यानी कि 77,000 रुपए ऑनरोड दिल्ली में अप्रॉक्स मिल सकती है। तो बजाज प्लेटिना का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके किक स्टार्ट वेरिएंट का 51,667 रुपीज तक है। इसके इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 59,859 रुपीज तक है। तो इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 63,578 रुपीज, यानी कि 63,578 रुपए तक है। अगर इस बाइक के ऑनरोड प्राइस की बात करें तो इसका किक स्टार्ट वेरिएंट दिल्ली में 60,075 रुपीज तक मिल जाती है। इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट के साथ ड्रम ब्रेक वेरिएंट 69,300 रुपीज, यानी कि 69,300 रुपए तक मिल जाती है।
तो इसका इलेक्ट्रिक स्टार्ट डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑनरोड अप्रॉक्सिमेटली प्राइस 74,000 रुपीज यानी कि 74,000 रुपये तक मिल जाती है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी ऑनरोड या फिर एक्सरूम प्राइस बताए हैं वो दिल्ली के बताए हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन बाइक्स का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी सस्ती आपको प्लेटिना मिल जाती है। तो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, अगर आपका बजट बहुत ही कम है, ऐसे में ज्यादा माइलेज वाली बाइक चाहते हैं तो बजाज प्लेटिना को ले सकते हैं। इसमें आपको किक स्टार्ट वेरिएंट और सेल्फ स्टार्ट वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं। इसके अलावा डिस्क ब्रेक वेरिएंट और ड्रम ब्रेक वेरिएंट ये भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बजाज प्लेटिना में वेरिएंट में काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वही जब कलर की बात आती है कि अगर आप कलर चूज करना चाहते हैं तो ऐसे में आप सीडी ड्रीम में आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं। तो दोनों बाइक्स में जिसका फीचर, जिसका कलर, जिसका प्राइस आपको अच्छा लगा हो उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इन दोनों बाइक्स में से कौन सा आपको पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोनों बाइक उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी जो डेली काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेवल करते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी दूरी के लिए नहीं है। ये किसी सिटी में चला सकते हैं या फिर इन बाइक्स को आप कैसे भी रोडों पे चला सकते हैं। इसकी जो सर्विस कॉस्ट भी है वो काफी कम आपको अन्य बाइक से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।